नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू राय ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल फौजी वाइफ हार्ड लाइफ में। कैसे हैं दोस्तों? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हैं और मैं भी आप सब की कृपा से एकदम अच्छी हूँ। और जैसा कि मैंने कल बोला था कि उस मुंडन का नेक्स्ट पार्ट आज के ब्लॉग में जाएगा, तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं आगे का मुंडन का रस्म कि क्या क्या होता है और मैंने क्या क्या गिफ्ट में दिया था। कैसे हम लोगों का फ़िलहाल तो वो मतलब यूपी में पड़ता है, बट इधर पूरब साइड यूपी का मुंडन कैसे किया जाता है ये मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इधर साइड का जो है बलिया, जो बॉर्डर बिहार और यूपी के बॉर्डर मतलब समझ लीजिए पड़ता है, वो सेम सेम मिलता जुलता ही होता है हम लोगों का भी रीति रिवाज, तो उसको दिखाते हैं कि कैसे मनाया गया है। चलिए फिर लेकर चलते हैं आपको। और आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इतर कर दो, इतर हाय कर दो, हाय हाय हाय। और रे और यहाँ पे सब लोग मुंडन के लिए निकल रहे हैं, जो कि हम लोगों के यहाँ मतलब गंगा घाट पे होता है। अगर कोई मन्नत आप रखते हो तब कहीं और मतलब करते हैं, फिर भी बाद में जो है गंगा घाट पे जाकर मतलब धूमधाम से मुंडन किया जाता है। और निकलते टाइम सब लोग साथ में गीत गाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य जो है वो देवी गीत से ही शुभारंभ होता है। ले पिया ले बूढ़ी गावा लो, गावा चलो लो, गाड़ी में गाऊंगा। पी गंगा जी का बना दूरी बता दे, गंगा जी का बना दूरी। ऐ बॉय अपना गंगा जी के पियरी चढ़ाई को पहरे ली। तो हम लोग गंगा जी के पास आ गए हैं गंगा घाट पे। जय हो गंगा मैया। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। और ये है मेरे ननद जी की बड़ी भाभी, और ये है ननद जी की सासू माँ। अभी सब बिजी है, नहाने धोने में बिजी है सब। ये लोग क्या गुपचुप कर रहे हैं, फोटो देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं हूँ, ननद जी हैं, फिर उनकी भाभी जी हैं बड़ी, और फिर मम्मी हैं, फिर मेरी छोटी ननद जी हैं। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत सीन लग रहा था, देखिए जरा कितना अच्छा लग रहा है ना। वाकई बोट तो इतनी सारी आ गई थी ना, गजब का लग रहा था। और ये यहाँ पे बच्चों को मतलब गंगा जी में ठंडी बहुत ज़्यादा थी, तो थोड़ा सा बस टच करवा दिए थे, पानी छिड़क दिए थे, और फिर ननद जी उसमें स्नान की, और अब जो है पूजा वगैरह आगे का होगा। ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे यहाँ ऐसे ही किया जाता है। गंगा जी का आटे का शायद पीठा बनाया जाता है।
जो मुझे अभी उतना नॉलेज नहीं, मतलब ऐसे और फिर पूड़ियाँ रख के उसके ऊपर चना रखते हैं, लड्डू रखते हैं, फूल वगैरह सब चढ़ा देते हैं। सब मतलब अपनी इच्छा से जो भी आपको गंगा जी को अर्पित करना हो किया जाता है, जैसे भी आप मतलब अपनी इच्छा अनुसार गंगा माँ का पूजा कर दो, कपड़े वगैरह चढ़ा सकते हो। और उसके बाद अब स्टार्ट होता है ये, तो सबके जो है जो जितनी भी मतलब बहन लगती हैं बच्चों की, वो लोग सब बहन और जो बुआ लोग होती हैं वो नेग लेने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो सबके ऐसे जो बुआ लोग अगर शादीशुदा होती हैं तो आँचल में, नहीं तो लड़कियां अपना कुछ भी जो भी ली रहती हैं स्टॉल वगैरह उसमें जो है उसको फैलाती हैं, और उसी में पूड़ी चना जो गंगा माँ को चढ़ाया जाता है वही वाला, और फिर बच्चे का जो बाल कट किया जाता है वो पहले सबसे पहले गंगा जी को चढ़ाकर और फिर सबके जो है उसमें डाल दिया जाता है। हम लोगों के यहाँ फाड़ बोलते हैं, मीन्स जो आँचल वगैरह या फिर जो कुछ भी रोकने के लिए लेते हैं उसमें डाल देते हैं। फिर अपनी इच्छा अनुसार आप पैसे या फिर जो कुछ भी गिफ्ट देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो मैं यहाँ गिफ्ट में दे रही हूँ बाबू को गोल्ड का चैन, और बिटिया रानी को ईयर रिंग है। तो बाबू जो है चैन पहनने में, क्योंकि उसका बाल काटा गया था तो बहुत ज़्यादा परेशान किया था कि मतलब मैं मुझे कैंची से मेरा बाल काट रहे हैं, वो देख के डर गया था, इसलिए चैन पहनने में भी थोड़ा रो रहे थे। और ये बुचिया हम लोग उसको बोलते हैं जो छोटी बच्ची होती है, उसको यहाँ पे प्यार से बुचिया बोला जाता है। तो बेबी को जो है मैं ईयर रिंग गिफ्ट कर दी हूँ। अभी तो उसका कान भी नहीं छिदवाया गया है, लेकिन बाद में वो जब थोड़ी बड़ी होगी तो पहन लेगी। और मैंने जी को रिंग दी और ये पूजा हो चुका है। उसके बाद जो आटे का बनाया जाता है पीड़ा या फिर पीठा ऐसे बोलते हैं, उसको जो है गंगा माँ को मतलब समर्पित कर देते हैं। तो वहाँ पे जाके ये मेरी ननद जी जिसने पूजा किया होता उसी को करना होता है, जाके अर्पित कर रही हैं। जय हो माता गंगे, हे माँ गंगे। और ये मेरी यहाँ से ये जो ड्रेस दिया था तो ये पहन रखा है दोनों लोगों का, यहीं से ये ड्रेस दिया था। बहुत हैप्पी थी अपना फ्रॉक देख के, और हेयर बैंड तो इतना पसंद आ रहा था कि उसको बिल्कुल थोड़ा सा निकल जा रहा था, तो एकदम मतलब बहुत केयर कर रही थी। और ये यहाँ पे मैं गंगा माँ को प्रणाम कर रही हूँ। और ये देखिए बिहार की फेमस पूड़ी, जो कि अभी मतलब हाफ मिली है तो इतनी बड़ी है, ये बहुत बड़ी बड़ी, आजकल तो थोड़ी छोटी बना रहे हैं हलवाई लोग, पहले बहुत बड़ी बड़ी होती थी ये, और बहुत ही सॉफ्ट होती है, खाने में बहुत अलग होती है नॉर्मल जो पूड़ियाँ बनती हैं उनसे। जय हो गंगा मैया, चल जानू। और अब वहाँ से हम लोग वापस आ रहे हैं गंगा घाट से, घर आएंगे अब। तो थोड़ा सा मैं शूट कर ली थी यहाँ पे वीडियो, अच्छा लग रहा था। ये देखिए ये पेड़ बहुत पुराना और बहुत हैवी था, अच्छा भी लग रहा था बहुत, इसमें मतलब काफ़ी स्टाइलिश लुक दे रहा था। और गाय जस्ट सामने गंगा जी। तो अभी जो है मैं आ गई हूँ मतलब घाट से, हम लोग आ गए हैं ननद जी के घर पे, और अब यहाँ से जाएंगे अपने घर क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, और वहाँ पे पापा और देवर जी अकेले हैं तो मैं चली जाऊँगी, बाकी सब लोग कल आएंगे। फिर से वही नाव वाला, हाँ फिर आए तो बच्चे आप जाओ तो कभी तो ले आ जाओ।
नॉलेज ही नहीं किया अभी। ये देखिए, और अब हम बैठेंगे अपने नाव में और फिर 5-6 मिनट लगते हैं, पूरा मिला के मतलब 6 मिनट लगते हैं, आ जाएंगे बिहार। अभी हम जहाँ खड़े थे वो था उत्तर प्रदेश।